Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर के तले जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरे 10 नर्सिंग साथियों ने एक दिन का उपवास रखा है. जो पिछले 7 दिन का जो आंदोलन चल रहा था, आज 7वें दिन मेरे 10 नर्सिंग साथियों ने उपवास रखते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को हम मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे 10 सूत्रीय मांगे हमने रखी गई थी, उनमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पिछले हम 1-2 साल से लगातार ज्ञापन के माध्यम से सरकार को हम कैंप ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं उसके माध्यम से, और सामाजिक सरोकार के कार्य करवा के, और 2.5 महीने से जो COVID-19 की ड्यूटी है उसमें भी हम अतिरिक्त 2-2 घंटे की डेली ड्यूटी कर रहे हैं. उसके बावजूद ही सरकार है नर्सेज की मांगे नहीं सुन रही है. हमारी उन मांगों में से पहले मांग ये थी, केंद्र के समान जो नर्सेज कर्मचारी हैं उनके नाम पदनाम की थी, जो सीनियर नर्सिंग हैं उनको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिया जाए, और जो नर्स श्रेणी द्वितीय हैं उनको जूनियर नर्सिंग ऑफिसर का नाम दिया जाए. और साथ ही में राजस्थान सरकार ने जो 28 अप्रैल को जो द्वितीय श्रेणी नर्सेज की जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें हमारी द्वितीय मांग ये थी कि उनका प्रोबेशन 29 अप्रैल से जारी किया जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन हो. और तीसरी मांग हमारी थी, जितने भी अस्थायी कर्मचारी राजस्थान में, चाहे वो NRHM में लगे हुए हो, चाहे वो NHM के तहत लगे हुए हो, चाहे वो UTB के तहत लगे हुए हो, उनकी सैलरी पूरे राजस्थान में एक साथ 26,500 किया जाए, और मेरी NM बहनें उनका वेतन 18,500 किया जाए, ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सके और COVID-19 जैसी महामारी को वो आसानी से लड़ सके और अपने परिवार को भी आर्थिक सहयोग दे सके. लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले एक हफ्ते से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन करने के बाद भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया, और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी हम ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, उसके बाद में भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है. अगर सरकार आने वाले दिनों में अगर नर्सेज की बातें नहीं सुनती है तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा. इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी. मैं धर्मेंद्र चौधरी, RNA वाइस प्रेसिडेंट, जेलन मेडिकल कॉलेज, अजमेर. आज हमारे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम जी मीणा के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से जो हम आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करे. हमारी 4 मांगें प्रमुख रखी गई है, केंद्र के समान पदनाम, जो हमारी 2018 चयनित भर्ती आई नर्सेज भर्ती आई थी उसकी ज्वाइनिंग अपडेट 29 अप्रैल की जाए, NHM और RHM जो JNM है उनके 26,500 और NHM की ANM की 18,500 की जाए, और पदोन्नति समय पर होनी चाहिए. कोविड महामारी को देखते हुए हम आज भूख एक दिन का उपवास रखकर भूखे रहते हुए फिर भी हम ड्यूटी कर रहे हैं, हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं. उसके बाद में भी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा साहब हमारी नर्सेज की समस्याओं के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है. अगर इनके ऊपर कोई समस्याओं पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो हम आगे की रणनीति प्रदेश लेवल पर मीटिंग कर तैयार करेंगे, और उसकी अगर आंदोलन होता तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार होगा. आत्मारा मीणा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन.